अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये कल की ही क्लिप है, ये है मेरे जीजू जो खाला के यहाँ हम सभी गए थे, और ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और ये मेरी हैं छोटी वाली सिस्टर, और ये मेरी खाला जी हैं, और ये मैं बैठी हुई हूँ, और तो मेरी दोनों सिस्टर बैठी हुई थी। और ये बाद में कुछ गेस्ट और आए थे घर पे, तो फिर हम वापस चले गए थे। और सभी गेस्ट जा रहे थे बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बहुत देर तक बारिश हुई थी, और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही थी ठंडी। और जब बारिश बंद हुई थी तब गेस्ट हमारे चले गए थे, और उसके बाद में हम आ गए थे बाहर। हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ पर मेरी सिस्टर को लेके, और मेरे बेटे को खाना था पिज़्ज़ा, तो उसको भी साथ हम लेकर गए थे, और इसलिए हम गए थे मार्केट, जो कि मार्केट में ही स्टोर है, और पिज़्ज़ा वगैरह भी हमें वहीं से लेना था। और सारी जगह गीली हो चुकी हैं, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, काफ़ी देर के लिए हुई थी, बट कहीं कहीं से सूख भी गया है, और बंद हो गई थी बारिश। ऐसा नहीं है कि अभी भी बारिश हो रही थी, जब हम आए थे तो बारिश रुक गई थी। और जो मेरी सिस्टर हैं थर्ड नंबर की, वो उनको इंजेक्शन लगवाना था, तो उनको हम आए थे लेकर डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक बंद था, तो हम आए थे मेडिकल स्टोर पर, और कुछ टाइम हमें यहाँ पर लगा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके बाद हम गए थे मार्केट, जो कि थोड़ा दूर था मार्केट मेडिकल स्टोर से, और हम जा रहे थे मार्केट पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद करके रखी थी कि पिज़्ज़ा खाना है उसको अभी, तो उसको लेकर गए थे हम साथ में, और वो नाराज़ होकर बैठा था पिज़्ज़ा के लिए, तो फिर हम उसको लेकर आ गए कि अगर शॉप खुली होगी तो पिज़्ज़ा ले लेंगे उसके लिए, और शॉप खुली हुई थी तो हम इसलिए उसको लेकर चले गए साथ में पिज़्ज़ा कॉर्नर। और वो काफ़ी दूर थी पिज़्ज़ा की शॉप, काफ़ी दूर थी, काफ़ी अंदर जाके मार्केट में थी। और ये आ चुके हैं हम पिज़्ज़ा शॉप पे, और अभी ये टाइम हो रहा था 10 बजे का, और ये देखें मेरे बेटे को किस तरह से डांस हो रहा है, इसको कितना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से उसने हमारे कान खा के रखे थे कि पिज़्ज़ा उसको खाना है, और ये देखें उसकी मस्ती, कितना खुश होते हैं बच्चे अगर उनकी बातें मानी जाएं, बट हर बात भी पूरी नहीं की जा सकती, बट थोड़ा टाइम था तो हम आ गए उसको लेकर। और ये अंदर की थोड़ी सी क्लिप है, हम अंदर नहीं गए थे, मेरी सिस्टर और मैं हम बाहर ही बैठे थे चेयर्स पे, और ये अंदर की थोड़ी सी वीडियो शूट की थी मेरे हस्बैंड ने, जो कि ये पिज़्ज़ा बना रहे थे भैया, इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था, मिनिमम हमें 30 to 45 मिनट रुकना पड़ा था वहाँ पर, काफ़ी देर लगी थी हमें, बट बच्चे का मन था तो वेट करना पड़ा हमें काफ़ी, और अब हमें मिल गया था पिज़्ज़ा, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी उसने ली थी, और अब हम वापस से घर के लिए आ रहे थे।
क्योंकि अभी एक दूसरी खाला थी मेरी, उनके यहाँ पर भी हमको जाना था और यहीं पर हमें काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 या 11 का टाइम हो गया था यहाँ पर ही, तो टाइम ज़्यादा लग गया था यहाँ पर, वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा था पिज़्ज़ा के लिए। और फिर हम खाला के यहाँ आए थे दूसरी वाली खाला के यहाँ, तो यहाँ पर हम काफ़ी लेट आए थे, 11:30 समथिंग ये टाइम ही हो रहा था, तो काफ़ी हमें लेट हो गया था। और ये हम कर रहे थे नाश्ता और खाला ने फिर से शीर बनाई थी, तो हम फिर वहाँ से बहुत लेट आए थे, 12:30 हम वहाँ से वापस आए थे। और ये मेरी जो एक सिस्टर हैं सेकंड नंबर वाली मुझसे छोटी, वो जा रही थी, ये उन्हीं की क्लिप थी थोड़ी देर की। और ये हम सब खाना वगैरह खाने के बाद में छत पर आ गए थे, जो कि मेरे बेटे ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, उसको नहाना था पानी से। ये देखें उसकी शरारतें, इतनी शैतानी उसने की थी, इतना वो नहाया है छत पे। और अभी आप वीडियो में देखेंगे काफ़ी टाइम हो गया था उसको नहाते नहाते, अंधेरा भी हो गया था। और ये शाम की वीडियो है नेक्स्ट डे की, और ये अपनी नानी अम्मी के पैर धुला रहा है, उसके बाद फिर से अपनी मस्ती में लग गया है। ये देखें काफ़ी देर हो गई थी उसको नहाते नहाते, और ये काफ़ी इंजॉय कर रहा था, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। बच्चों को कभी कभी ये होता है कि मन करता है बच्चों का भी। और ये पड़ोस में एक क्यूट सी कैट बैठी हुई थी, कितनी प्यारी ये कैटी लग रही थी, और इतने ध्यान से देख रही थी जब मैं इसकी वीडियो भी बना रही थी, वीडियो शूट कर रही थी, तो इतने गौर से देख रही थी, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी ये, और ऐसे ही चुपचाप अकेली बैठी हुई थी छत पर। ये हमारे बराबर वाली छत है जो कि यहाँ पर ये बैठी हुई थी। और ये देखें कितने देर हो गई थी मेरे बेटे को नहाते नहाते, कम से कम 2 घंटे उसको हो गए थे नहाते हुए, और इतनी छोटी बकेट में वो बैठा हुआ है, और इतनी शरारतें इसने की हैं। और हम सभी से ज़्यादा मेरा बेटा इंजॉय करता है वहाँ पे, जो कि अच्छा लगता है। बच्चे अगर खेलते हैं कूदते हैं और उन्हें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है अपनी पढ़ाई से हट के, थोड़ा टाइम उनको भी मिलना चाहिए। और ये हम नीचे हमारे सबसे ग्राउंड फ्लोर पर टंकी रखी हुई है गेहूं के लिए, और उसमें गेहूं भरा हुआ था, तो वो हमें भरना था इस वाली बोरी में हमने ये गेहूं भरा था, और ये गेहूं भेजा था हमने पिसवाने के लिए। तो ये मैं बैठी हुई हूँ और मेरी सिस्टर, हम दोनों भर रहे हैं इस बोरी में गेहूं, जो कि ये साफ करवा के बनाने थे। और यहाँ पर गेहूं के एक्सचेंज में आटा दे देते हैं, और आटा भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है, और गेहूं को भी साफ़ नहीं करना पड़ता। और ये जितना हमने निकालना था जितना हमको, उतना हमने निकाल लिया है। और ये हमारी क्यूट सी एली है, हमारी कैटी है ये, हमने इसको, ये पहले कभी मेरे पास हुआ करती थी जब छोटी सी थी, इसको फिडर से दूध पिलाना पड़ता था, बहुत छोटी सी थी। और अब देखें ये कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, और कितनी क्यूट लगती है ये, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह। और इससे सभी इतना प्यार करते हैं जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा होता है उसी की तरह, बहुत ज़्यादा इसको प्यार मिलता है वहाँ पर। और ये इसलिए हम नीचे थे तो हमारे पीछे पीछे आ गई है वो हमें देखने के लिए कि हम क्या कर रहे थे यहाँ पर। ये देखें बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ये, और इसका नाम है एली। और ये बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करती है। और उसके बाद में मैंगो मंगाए थे मम्मी ने, कच्चे वाले आम,
जो कि अम्मी बोल रही थी अचार के लिए, बट मैंने अभी मना कर दिया था अम्मी से कि अचार अभी नहीं बनाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं आम को। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है जो कि चेक कर रही है कि ये क्या चीज़ है। और अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।